रहे हैं टेक्नो यूट्यूब चैनल और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेराबाइट हार्ड डिस्क एनक्लोजर के बारे में। अगर आपके पास कोई पुराना हार्ड डिस्क है तो आप उसे एक्सटर्नल ड्राइव की तरह यूज कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप में यूज करना हो या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और अनबॉक्स करते हैं टेराबाइट 2-in-1 USB 2.0 हार्ड डिस्क इनक्लोजर का। दोस्तों ये है 2-in-1 टेराबाइट एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इनक्लोजर। ये जो है आपको मिल जाता है अमेजोन पे सस्ते में ही। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं 2.5 इंच और 3.5 इंच हार्ड डिस्क केस है, यानी कि ये दोनों तरह के हार्ड डिस्क को सपोर्ट करता है। आप चाहे तो लैपटॉप का हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर का, ये दोनों तरह का हार्ड डिस्क सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर साटा हार्ड डिस्क होना चाहिए जो जनरली हम यूज करते हैं सीरियल ATA, तो ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। और अभी मैं हार्ड डिस्क के बारे में ही बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं इस डिवाइस के बारे में। तो यह है एक्सटर्नल इनक्लोजर, मॉडल नंबर आपको दिख रहा है और अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग आती है। और यहां पर सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ये है आपका हार्ड डिस्क, इसे मैं निकाल ले रहा हूँ यहाँ से, इसे मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। और इसके बाद इस बॉक्स के अंदर आपको मिलता है, यहाँ पर एक मिलता है आपको डाटा केबल, ये डाटा केबल है, और दूसरा मिल जाता है आपको ये चार्जर, देख रहे हैं। इसके बाद इस बॉक्स को हम कर देते हैं बंद, ये बॉक्स रख देते हैं अलग। और अब देखते हैं इस डिवाइसेस पे क्या क्या है। इसको सबसे पहले कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है ये डिवाइस, ये डिवाइस आप देख रहे हैं टेराबाइट का है, ये है आपका एक डिवाइस देख रहे हैं। और इसके साथ आपको मिलता है ये केबल जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पॉइंट है, तो ये 2.0 के साथ का केबल है और इसके साथ ये कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो कैसे कनेक्ट करेंगे अभी बताऊंगा। और इसके साथ मिलता है आपको एक एडेप्टर, ये AC एडेप्टर है। अब हम बात करेंगे कि आपको इसमें डिवाइस को, अपने हार्ड डिस्क को कैसे इसमें इंसर्ट करना है। तो हार्ड डिस्क को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो है इसके पीछे की तरफ ये है आपका कंप्लीट बॉक्स, और इस बॉक्स में आपको स्क्रू कहीं नहीं लगा हुआ है, ये आपको डायरेक्ट और अच्छी क्वालिटी का बनना है। यहाँ पर आपको पीछे से ये जो है बॉक्स, इसको आपको क्या करना है, इसको स्लाइड करना है। देखिए ये ओपन हो गया। अब ये वाला जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इस तरह से कनेक्टिविटी होती है यहाँ पर। और ये वाला जो है कैप, इस कैप को आप अलग रख सकते हैं या फिर चाहें तो इसके ऊपर आप उसे रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे कनेक्टिविटी है। अब ये है हार्ड डिस्क, और यहाँ पर हार्ड डिस्क में आपको यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि ये हार्ड डिस्क साटा है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं सीरियल ATA यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके ऊपर लिखी हुई मिल जाती हैं कि हार्ड डिस्क किस कैटेगरी का है। तो अब इस हार्ड डिस्क को इंसर्ट करना है हमें किस में, ये वाले में। आपको ये वाला पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर, तो इसी पॉइंट को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो सिंपली आपको हार्ड डिस्क लेके इस हार्ड डिस्क को यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पीछे से हार्ड डिस्क को प्रेस करना है और इसे वहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। अभी देखिए फुली यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, ये कम्प्लीटली कनेक्ट हो चुका है हार्ड डिस्क को। अब आपको ये पीछे का कैप इस पर लगा देना है। ध्यान रखिए कि ये जो कैप आप पीछे से लगा रहे हैं इसका कवर, इसको आप थोड़ा सा इसे यहाँ से स्पेस दें, क्योंकि वेंटिलेशन की यहाँ पे कोई है नहीं, बिल्कुल क्लोजिंग आप करेंगे नहीं, क्योंकि हार्ड डिस्क जब वर्क करता है तो हीट जनरेट करता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेस ऊपर रखना चाहिए, हालांकि आप इसे बंद भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आपको क्या करना है कि ये जो एडेप्टर है AC एडेप्टर आप देख रहे हैं, तो इस AC एडेप्टर को आपको कनेक्ट करना है। आपको इस पॉइंट को अपने टेराबाइट के एक्सटर्नल क्लोजर में आपको कनेक्ट करना है, आपको इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कनेक्शन चेक करने के लिए आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे लाइट है, और जब आप यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो ये लाइट जल जाएगी, तो इससे हमें पता चलता है कि ये कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर इसके एक तरफ आप देख रहे हैं USB, जबकि दूसरी तरफ देख रहे हैं 2.0। तो
तो आपको इस 2.0 को यहाँ पे कनेक्ट करना है। जैसे आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसे मैं अपने लैपटॉप के इस कनेक्शन में यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो ये सेटअप हो गया है कंप्लीट, आप देख रहे हैं ये यहाँ पर कनेक्ट है। इसके अलावा ये भी सेटअप पूरा है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये स्विच जो है, ये स्विच इसे पावर ऑन, यहाँ से पावर बंद हो जाता है और इधर करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें ये स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन कर दिया, यहाँ पर देख रहे हैं आप LED लाइट ये जल रहा है। तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको 4 ड्राइव दिखाई दे रहे हैं। अब मैं करता हूँ इस अडैप्टर को ऑन, और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ड्राइव और आ गया है। तो इस तरह से ये कनेक्ट हो गया है, आपके लैपटॉप में शो भी कर रहा है। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।